बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी में भी आया रविंद्र जडेजा का तूफान, ले डाले 5 विकेट। क्या है पूरी रिपोर्ट आगे जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका टेस्ट में यह मैच का तीसरा दिन है। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 175 रन की पारी खेलने के साथ साथ दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट भी निकाला। तीसरे दिन 4 विकेट लेकर उन्होंने श्रीलंका को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की हालत पतली कर दी। धनंजय डी सिल्वा महज 1 रन बनाकर आउट हुए। 29 रन पर खेल रहे चरित असलंका को 29 रन के निजी स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट किया। इसके बाद भी मेहमान टीम के विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। निरोशन डी सिल्वा 2 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। सुरंगा लकमल और लसित एम्बोलदेनिया अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इसके पहले रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 574 रन पर पारी घोषित की। श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी के लिए अपनी पहली पारी में केवल 174 रन बना पाई। अब उसे फॉलो ऑन करना है, देखते हैं कि वह दूसरी पारी में कितने रन बना पाती है। आपको हमारी ये क्रिकेट रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।